हाय एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ टर्म्स एंड फाइन स्ट्रक्चर लेवल्स। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। ऑफ द टर्म्स अराइजिंग फ्रॉम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, अगर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन से जो भी हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स मिल रही हैं, दोज विद लार्जेस्ट मल्टीप्लिसिटी लाई लोवेस्ट, जिनके लिए 2s+1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो वाला लेवल सबसे नीचे आएगा। ठीक है, एक ये रूल याद रखना है। ऑफ द टर्म्स विद गिवन मल्टीप्लिसिटी एंड अराइजिंग फ्रॉम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन दैट विथ लार्जेस्ट एल वैल्यू लाई लोवेस्ट, तो जिनके लिए एल की वैल्यू सबसे ज्यादा, मतलब पहले तो ये कंसिडर करना है 2s+1, उसके बाद एनर्जी लेवल आ गए अपने पास इस तरह से, मतलब ये 2s+1 हाईएस्ट होगा इसके लिए, हाईएस्ट है। ठीक है, हाईएस्ट वाला नीचे आ गया। अब हमें देखना है इन लेवल के लिए आगे जाके अगर इनके पास में एल की वैल्यू, तो जिसकी एल की वैल्यू लार्जेस्ट होगी पहले 2s+1 देखना है, उसके बाद एल को देखना है कि एल जो अगर उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है तो वो लोवेस्ट पे लाई करेगा। ये अपन ने ऊपर प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, जब वो एक डायग्राम समझा था अपन ने अनपर्टर्ब लेवल का, फिर स्पिन स्पिन इंटरेक्शन का, फिर रेजिड्यूअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का, और फिर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का। तो वहाँ अपन ने ये रूल फॉलो किए हैं। ओके, नाउ इन द मल्टीप्लेस्ड फॉर्म फ्रॉम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन इन अ लेस देन हाफ फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लेस देन हाफ फील्ड हुआ, तो लेस देन हाफ फील्ड का मतलब जैसे आप मान के चलो P1, P2 और हाँ P1, P2, क्योंकि लेस देन हाफ फील्ड, लेस हाफ फील्ड कितना होगा P3 होगा, तो P3 से कम मतलब P1, P2 के अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास होते हैं तो उनके लिए लेवल कैसे आएगा, उनके लिए द लेवल विथ लोवेस्ट जे, जे जो लोवेस्ट होगा वो नीचे ही, लोवेस्ट जे नीचे आएगा, ज्यादा जे वाला ऊपर आएगा, उससे ज्यादा जे वाला ऊपर आएगा, उससे ज्यादा जे वाला ऊपर आएगा, इसे कहते हैं नॉर्मल ऑर्डर। लेकिन अगर आपके पास हाफ मोर देन हाफ फील्ड है, मोर देन हाफ फील्ड का मतलब P4 की बात आप कर रहे हो, P5 की बात आप कर रहे हो, तो आपके पास हाईएस्ट जे वाला जो लेवल होगा वो नीचे आएगा, यानी कि इन्वर्टेड ऑर्डर में आएगा। अब अगर एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो तो टर्म अराइजिंग फ्रॉम हाफ फील्ड सबशेयर शो ओनली वेरी स्लाइट फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग, वो बहुत फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग शो करते हैं अगर एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। तो यूजुअली आपको लेस देन हाफ फील्ड या फिर मोर देन हाफ फील्ड ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए द लोवेस्ट टर्म अराइजिंग फ्रॉम अ हाफ फील्ड सबशेयर आर एस टर्म्स एंड आर स्पेशली स्टेबल। ये देखा गया है कि जो हाफ फील्ड शेल्स होती हैं उनसे जो टर्म्स हमें मिलती है वो एस टर्म्स ही होती हैं और वो स्टेबल होती है। दीज टर्म आर 2s1/2 फॉर हाफ फील्ड एस सब शेल। ठीक है, और ये याद रख लेना 4s3/2 होता है फॉर अ हाफ फील्ड पी सब शेल, 6s5/2 होता है फॉर हाफ फील्ड डी सब शेल, और 8s7/2 होता है फॉर हाफ फील्ड एफ सब शेल। बस एस पी डी एफ तीनों चारों का आपने हाफ फील्ड का स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना है कुछ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके पास सीधे आ जाओ यहाँ पे नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। इनमें से एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके पास कि अगर आपको एटम्स दे दिए जाए उनका पूछा जाए, तो देखो 1H हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन में पहला इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, वो किस में होता है 1s में होता है, तो 1s में अगर वो आएगा तो आपके पास टर्म कितनी आएगी 2s1/2। अब ये कैसे आएगी देखो, एक में बता देती हूँ, बाकी आपको खुद को करना है। 1s के अंदर जो स्पिन होगा एक इलेक्ट्रॉन है, तो s की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आएगी, करेक्ट। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 2s+1 इज इक्वल्स टू, s की जगह 1/2 रखो तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो मल्टीप्लिसिटी की जगह कितना रखा हुआ है 2 रखा हुआ है। दूसरा, 1s के अंदर s ऑर्बिट है तो l इक्वल टू 0 आएगा, l इक्वल टू 0 का मतलब जो l की वैल्यू है वो s ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ कैपिटल s आ गया। और j की वैल्यू जो होती है वो l प्लस माइनस एस होती है, तो एल प्लस माइनस एस कर दो, एल की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 0, एस की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 1/2, लेकिन -1/2 पॉसिबल नहीं है इसलिए +1/2 आ गया। अब एस टू जो है उसके लिए हम वापस उसी चीज में जा रहे हैं कि यहाँ पर देखो दो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का तरीका मैंने करना करने का बता दिया था, दो इलेक्ट्रॉन है इक्विवेलेंट, एस में दो इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो उनको कैसे सॉल्व करना है ये प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, वहां से आप टर्म निकाल लेना। जब 1s2 में आओगे 2s में आओगे तो 1s2 का कुछ नहीं करना है, केवल 2s का करना है, केवल 2s का मतलब 2s के अंदर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2s के अंदर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो सेम वही टर्म आ जाएगी जो ऊपर आई थी 2s1/2। तो देखो 2s1/2 ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, यानी 1s में या 2s में, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो, तो दोनों आपको क्या मिल रहा है सेम मिल रहा है। और इधर 2s2,
टू एस टू मतलब कंप्लीटली फिल्ड है एस टू, तो कंप्लीटली फिल्ड के लिए यहाँ कितना आया था, वन एस नॉट आया था, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, वन एस नॉट आ रहा है, वन एस जीरो आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से पी में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, पी में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो यानी पी वन, तो इसका निकालने का तरीका आपको बता दिया है, ये दो आती है और बता देती हूँ पी वन के अंदर, वैसे ही बता देती हूँ चलो। पी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन कितना हो जाएगा, 1/2, और एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके पास, 1 हो जाएगी क्योंकि पी है, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों का माइनस कर दो और मैक्सिमम कर दो, मिनिमम या मैक्सिमम ले लो, तो मिनिमम कितना हो जाएगा, 1 - 1/2 जो कि हो जाएगा 1/2, और 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2, तो जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी और 3/2 आ जाएगी, क्योंकि एल इक्वल टू 1 है तो कौन सा ऑर्बिट होगा, कैपिटल पी ऑर्बिट होगा, और क्योंकि एस इक्वल टू 1/2 है तो मल्टीप्लिसिटी यानी कि 2s + 1 कितना होगा, 2 होगा, ये लो पी का भी आ गया। इसी तरह से आप 2p2 निकाल लीजिएगा क्योंकि हम p2 निकाल चुके हैं, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन में P2 वाला एग्जांपल हम कर चुके हैं, और P3 इलेक्ट्रॉन जो है P3 वाले के लिए आप करके देख लेना, P4 वही होगा जो P2 का होगा, देखो P2 के अंदर ये आया है, P2 के अंदर ये आया है तो P4 के अंदर भी यही आएगा, सेम टू सेम टर्म आते हैं, ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जैसे भी है, मान लीजिए पी है की पावर क्यू है और पी की पावर r-q है, इनके लिए सेम आएगा, जहाँ r जो है वो मैक्सिमम नंबर होता है उस ऑर्बिट में भरने का। इसी तरह से P5 का आप निकाल लेना, P6 का, P6 कम्प्लीटली फिल्ड शेल है, P6 जो है कम्प्लीटली फिल्ड शेल है, तो इसके लिए कितना आ जाएगा, 1s0 आ जाएगा, देखो 2s2 ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है, 2p6 ये भी कम्प्लीटली है, इन सब के लिए कितना आएगा, 1s0 आएगा, तो यहाँ देखो 2s2 आ रहा था तो 1s0 आ रहा था, करेक्ट, और यहाँ पर पी में 6 आ रहा है तो 1s0 आ रहा है, इसीलिए आगे भी देखिए, लास्ट वाला देखना है, यहाँ पे 3s एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर 1s में जो आया, 2s1 में आया, जो आया था 2s1 में जो आया था वो कितना आया था, 2s1/2, तो सेम टू सेम वही आएगा, और 3s2 में ये कम्प्लीटली फिल्ड है तो इसके लिए 1s0 आ जाएगा, 3p5 वही होगा जो 3p1 होगा, 3p1 पी में 1 जो मिलेगा वही 3p5 में मिलेगा, दिखा देती हूँ, अभी अपन ने पी1 निकाला था, ये रहा P1 अभी अपन ने निकाला था यहाँ पे, ये देखो P1 यहाँ पे, P1 यहाँ पे निकाला था, तो कौन से दो टर्म आए थे, ये दो, और यही दो टर्म क्योंकि यहाँ P में एक इलेक्ट्रॉन है तो P5 में भी वही आएंगे, तो P5 में भी देखो यही दो टर्म आए, ठीक है। 4s2 के अंदर अगेन कंप्लीटली फील्ड है तो 1s0 आ जाएगा, और 4s में 1 है तो 2s1/2 आ जाएगा, 4s2 कम्प्लीटली है तो 1s0 आ जाएगा, और 6s2 कम्प्लीट है तो 1s, लास्ट का देखना आपको, इस तरह से एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, 29Cu के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखी है तो आपको बस लास्ट वाले की लिखनी है, 30 जिंक के लिए लिखनी है तो लास्ट वाली टर्म लिखनी है, ठीक है। सिलेक्शन रूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखने हैं, तो सिलेक्शन रूल्स हमेशा ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन अकर इन विच ओनली वन इलेक्ट्रॉन जंप्स एट अ टाइम एंड सच दैट इट्स एल वैल्यू चेंजेस बाय 1 यूनिट, यानी ऊपर के लेवल में और नीचे के लेवल में ट्रांजिशन, यानी इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिशन तभी करेगा जब यहाँ पर जो एल की वैल्यू है मान लीजिए 2 है और यहाँ पर एल की वैल्यू जो है वो 1 है, तो 1 यूनिट से चेंज होना चाहिए, तो एल की वैल्यू, और यहाँ पर अगर एल इक्वल टू 1 है और यहाँ पर एल इक्वल टू 2 है तो भी वो आ सकता है, दोनों की पहले वाले केस में चेंज हुआ उसका -1 से घटा है, एक -1 से दूसरे में बढ़ा है यानी कि +1 से, तो डेल्टा एल की वैल्यू +-1 होना चाहिए, ये सिलेक्शन रूल है एल के लिए, ठीक है। और इसके अलावा एक और रूल होता है, द पेरिटी ऑफ द कॉन्फिगरेशन मस्ट चेंज इन इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन, यानी ऑड से वो इवन में आना चाहिए, और वो जाहिर सी बात है एल इक्वल टू 2 से अगर एल इक्वल टू 1 में आया तो एल इक्वल टू 2 की पेरिटी क्या होती है, इवन पेरिटी होती है, और एल इक्वल टू 1 की क्या होती है, ऑड होती है, तो बाय डिफॉल्ट पेरिटी तो आपकी चेंज होगी ही होगी, ठीक है। ये बस सिलेक्शन रूल इतना ही याद रख लीजिए, अगर दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए करना है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए करना है तो सेम वही रूल लागू होगा आपके पास में, जो फर्स्ट वाला होगा डेल्टा L1 वो तो होगा +-1, और जो सेकेंड वाला होगा वो होगा 0 + -2, ये बस आपको याद करने हैं, ओके। ये सिलेक्शन रूल आपको डायरेक्टली एग्जाम में लिखने हैं। फॉर द एटम एज अ होल, एग्जाम में जो है पूरे एटम का पूछा जाता है कि एटम एज अ होल, एटम एज अ होल के लिए ये ध्यान रख लेना, डेल्टा L0 + -1 अलाउड है, डेल्टा S0 और डेल्टा J0 + -1 अलाउड है, लेकिन ऊपर में भी अगर J=0 है और नीचे भी J=0 है तो यहाँ 0 अलाउड हो रहा है, तो ये मत समझना 0 से 0 आ जाएगा, तो 0 नहीं, 0 से 0 कंसिडर नहीं होगा, वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो अपने पास ये वाले सिलेक्शन रूल्स एटम के हैं और ऊपर जो अपन ने पढ़े थे वो इलेक्ट्रॉन के हैं, दैट्स इट, ये हमारे पास हो जाएंगे सिलेक्शन रूल, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है JJ कपलिंग जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।